हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 2 जून और आज हम लोग का मतलब एक तरह से देखा जाए तो कॉलेज में आज लास्ट डे होगा। ऑफिशियली लास्ट डे नहीं होगा, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कॉलेज जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे कल हमारा फेयरवेल है तो इसीलिए आज हम लोग उसको लास्ट डे मान रहे हैं। तो यही सोचे कि आज मतलब थोड़ा कुछ शूट कर लेते हैं कि हाँ हम लोग कैसे मतलब उतना टाइम कैसे एक दूसरों के साथ बीत गया, कैसे क्या इन्जॉय किए नहीं किए, क्या अप्स एंड डाउन्स आए। तो सोचे कि चलो वो एक्सपीरियंस आज मतलब सबसे ले लेंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएं कि हाँ कि जिस कॉलेज में हम बीएड कर रहे थे वहाँ कैसा लगा, क्या नहीं लगा, क्या था क्या नहीं था। तो हाँ चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम कॉलेज पहुँच चुके हैं और अपना हेलमेट वगैरह रख रहे हैं, उसके बाद फिर कॉलेज की ओर जाएंगे। ये वाला व्यू आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा क्योंकि ये हमारा कॉलेज है, इधर एमएड सेक्शन है और ये वाला हमारा बीएड सेक्शन है। ये वाला अभी ज़्यादा जोर जोर से नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉलेज कैंपस घुस गए हैं और ये हमारे पापा जी यहाँ सिर झुका देते हैं। देखो आज लास्ट डे है, कल फेयरवेल है, लेकिन भी ये सब करना पड़ रहा है। बताओ, लेसन प्लान, टेस्ट, लेसन का प्रिपरेशन सब चल रहा है। सब आधे लोग नीचे हैं और हम लोग ऊपर हैं। और ये लड़की तो इतना बात करने में बिजी है ना, ए लड़की ये तुम इतना बिजी कह ले है। कल फेयरवेल है, अभी तक कुछ प्रिपेयर ही नहीं हुआ है ना रीना, कुछ कहना चाहती हो? देखो तो हम ही बोलेंगे कि अचानक से फेयरवेल का नोटिस मिला, उसके लिए तो सबसे पहले दिमाग तैयार नहीं हो, एकदम शॉक हो गए हैं। पढ़ाना है कि फेयरवेल का तैयारी करना है? हाँ, ओ इसको बता देते, एक्सप्लेन कर देते कि वो कहना क्या चाह रही है। तो हम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 31 मई को ख़त्म हुआ और आज है 2 तारीख ना, कल 3 तारीख है। तो हम लोग को हमारा टेस्ट लेसन के लिए 3 से 4 दिन हम लोग को टाइम मिला था टेस्ट लेसन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और फिर बहुत सारे लोगों का जो कॉलेज के टाइम वाला जो सब्सिडरी जो पेपर था वो लोग का जेनरिक जो था वो लोग का मतलब हम लोग का 2 सब्सी था, तो बहुतों का था कि एकक सब्सी था तो वो लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो उस चीज़ का एग्ज़ाम अभी हो रहा है तो बहुत लोग हैं 5 तारीख से ही नहीं रहेंगे। तो फिर इसलिए हम लोग कल डिसाइड हुआ था, कल 1 तारीख को डिसाइड हुआ था कि 3 तारीख को हम लोग को फेयरवेल मिलेगा। तो और हम लोग को 5 तारीख से हम लोग का टेस्ट लेसन था, तो वही चीज़ अभी हड़बड़ी में इधर उधर इतना पूरा केओटिक अभी इतना भयानक सिचुएशन चल रहा है ना, और ऊपर से सारी टीचर हम लोग की वो जो नैक है उसके लिए बिजी है, प्रिपेयर कर रही है, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। और हम लोग इधर ये प्रिपेयर कर भी रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, मतलब सारा चीज़ एक ही साथ चल रहा है। फेयरवेल का भी डिस्कशन चल रहा है, टेस्ट लेसन का भी डिस्कशन चल रहा है, हर चीज़ का डिस्कशन एक ही साथ चल रहा है, एकदम कन्फ्यूज हो गए सब, बेगरिया जैसा बैठा हुआ है। देखो ये दोनों हमारी कल्चरल लीडर है, डिस्कशन चल रहा है दोनों का कि कल का प्रिपरेशन कैसे होगा, उधर अलग डिस्कशन चल रहा है, सब डिस्कस कर रहा है कि क्या क्या साड़ी पहन के आएंगे क्या नहीं पहनेंगे। इधर रीना तिरकी है। चलो ये हमारा लंच है, ये पकौड़ी का सब्जी है, ये मूंग दाल चना है, उधर मैगी है, उधर हलवा है, इधर साजिया है, उधर शारदा दी है, इधर रीना तिरकी है, इधर रोहिणी है, इधर सरस है और मैं हूँ इधर। <Thank you, bye. laughs>
अपना पसीना पसीना ग्रुप में डाल दीजिएगा। मम्मी की जगह बचा रहे हैं। मम्मी एक फोटो भी ले। हाँ ले रहे ले रहे। किधर देखना पहले, उधर किधर? जिधर भी देखने मन। रुके 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 रुके, फोकस नहीं हो रहा। हाँ पलटिए। ये रहा हमारा इनविटेशन कल का फेयरवेल के लिए। डियर सीनियर्स, वाओ, फ्रॉम योर जूनियर्स, कल प्रोग्राम कितना बजे से है? 6:15 से होली मास है और 9:30 से फेयरवेल प्रोग्राम। लंच। थैंक यू जूनियर्स फॉर इनवाइटिंग अस। अभी जाके सबसे पहले टाइम से खाना खाएंगे। हम लोग पहले जो आए हैं तो फिर उस टाइम आएंगे। अच्छा से रेडी हो क्या जाना, जल्दी तैयार हो जाना, जल्दी पहुंच जाना। अच्छा से आ गया ना पाजी, चेहरा तो खिल गया है। तो हम सोच रहे हैं कि रेड कलर का साड़ी। आज हम लोग का लास्ट डे है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है हम लोग। हां कि और हम लोग को, हम लोग शायद किसी को ऐसा फेयरवेल नहीं मिला है। दो 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 दिन फेयरवेल, आज भी कल भी परसों भी, इसलिए बहुत ही होगा फेयरवेल, इतना इतना ज्यादा फेयरवेल, इसलिए बहुत खुश है। झटका झटका बहुत खुश है कि हम लोग का फेयरवेल हो रहा है। यूजुअल की तरह हम साजिया, निशी और रीना पीछे देखो लास्ट में ही जा रहे हैं। और ये हमारा कॉलेज, हम लोग हमेशा लास्ट में जाते हैं और आज भी लास्ट ही जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप है, छाता भी लेना है। आज भी धूप में कोई कमी नहीं है। हाँ आज का भी धूप में कोई कमी नहीं है। वाह कितना अच्छा हवा ये लग रहा है। तो अभी 12:01 हम लोग वापस गए थे घर। अभी फिर 3:00 से हम लोगों के लिए प्रेयर सर्विस रखा गया था, तो हम लोग फिर 3:00 के लिए अभी कॉलेज आ रहे हैं वापस घर से रेडी हो करके। क्योंकि हम लोग कॉलेज यूनिफॉर्म में थे तो हम लोग को बोला गया कि आप लोग आइए कलर ड्रेस में आइए और आप लोगों के लिए प्रेयर रखा गया है। और बहुमूल्य समय और अपने अच्छे गुरु के द्वारा हमारी क्षमताओं को विकसित करने में मदद दिया है। तो प्रेयर के दौरान हमारे लिए आशीष किया हुआ तेल हमारे माथे पे लगाया जा रहा था हमारे प्रिंसिपल के द्वारा। और लाइन में सभी टीचर्स, हमारे जितने भी टीचर्स थे वो सभी लाइन में खड़े थे और हमें अपना आशीर्वाद देते जा रहे थे हमारे फ्यूचर के लिए। तो हम लोग कॉलेज से तो निकल चुके हैं और अभी घर जाने के लिए हम लोग आ ही रहे थे कि इतना धूप, इतना गर्मी, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो हम लोग सोचे चलो रुक करके थोड़ा सत्तू पानी पिया जाए, तो वही सत्तू पानी पी रहे हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।